चलिए हम लोग स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है विश्व जनसंख्या में कितना स्थान पे, तो डेफिनेटली सभी को पता होगा 2011 के अनुसार जो भारत वो द्वितीय स्थान पे था, यानी दूसरा स्थान पे था। हम लोग को ऑप्शन बी पे बिल्कुल राइट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे आपको प्रथम पूछता तो प्रथम में कौन है, तो प्रथम आपको लगाना है चीन है। ठीक है, अगर आपको प्रथम पूछता तो क्या लगाना है, चीन है, और दूसरा पूछेगा तो फिर क्या लगाना है, भारत है। ठीक है, और अभी जो है वो उल्टा हो गया, अभी जो है भारत प्रथम में आ गया, ठीक है, और चीन दूसरा में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, कह रहा है भारत में जनगणना कितने सालों में अंतराल में होती है। काफी इजी सा क्वेश्चन है, तो भारत में जनगणना वो तो 10 सालों पे होती है, तो हम लोग को लगाना है ऑप्शन सी, यानी 10 साल अंतराल पर। ये कब से शुरू होती है, 1881 में शुरू हुई थी, ठीक है, 10 साल के अंतराल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोगों को पूछा जा रखा है, निम्न में से किन राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। आप लोग जनसंख्या घनत्व कम पूछ रखा है, हमने तो आप लोग जनसंख्या घनत्व बारे में बता रखा था। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रहेगा तो किसका रहेगा, बिहार का रहेगा। यहाँ पे आपको पूछ रखा है कम जनसंख्या घनत्व, तो कम में क्या लगाना है, तो आपको बताया था कि सबसे कम अगर पूछिए तो हम लोग को लगाना है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको यहीं पे अगर ना सबसे कम जनसंख्या पूछे तो लगाना है हम लोग को सिक्किम। ठीक है, सिर्फ सबसे कम पूछे तो क्या लगाना है, सिक्किम लगाना है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर आपको पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और सबसे अधिक तो बिहार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर कर हम लोग को, उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो है वो कैसा होता है, सघन होता है, विरल होता है, या फिर दोनों होता है, बताओ क्या लगाओगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फोर का, उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व जो है वो दोनों लगा दो, विरल भी होता है और सघन भी होता है, तो ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, ये दो चार ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग को पूछा जा रखा है कि किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कौन से अवधारणा है प्रकृति से मानव को श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमने आपको बताया था जो संभावनावाद जो होता है ना, संभावनावाद में जो है यहाँ पे हम लोग प्रकृति वाला, तो प्रकृति हम लोग को जो है वो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग को, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं, बताओ। प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्ति की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रायः हम लोगों ने ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग को पूछ करके ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इनमें से कौन जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो डिफरेंस सभी को पता होगा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, जापान आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जापान तो ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट पूछ रखा हम लोग को, किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रखा है तो डिफरेंस को पता चाहिए, यूरोप तो होगा नहीं, यहाँ पे हमारा एशिया लगाना है। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, आंसर डी लगाना है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा जा रखा है कि निम्न में कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, तो बोलोगे क्या है ये कारण, बताओ, तो ऑप्शन हम लोग को सी लगा देना है। ठीक है, ग्रामीण शहरी प्रवास। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है, निम्न से कौन झारखंड की राजधानी है, तो बोलो सर झारखंड राजधानी है, तो बिल्कुल ये रांची हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम लोग राइट लगाना है। क्वेश्चन लगा रहे हम लोग की किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है, तो बोलो सर किशोर जनसंख्या हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से, क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 10 से 19 वर्ष, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर हम लोग को, निम्न से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निम्न से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को लगाना है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए पे हम लोग को राइट लगाना है। अच्छा, मिर्स भी है, खनन भी है, ये सभी लगा देना हम लोग को। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में पूछेगा तो यहाँ पे हमारा जो है वो सारे जो है राइट जगह ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रखा है, निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, देखो केंद्र शासित प्रदेश पूछ रखा है तो सबको पता होगा गोवा तो है नहीं, आसाम भी तो है नहीं, ठीक है, पांडिचेरी हमारा जो है वो हो जाएगा, मिजोरम नहीं है, तो ऑप्शन हम लोग को सी पे सॉरी बी पे राइट लगाना, जितने अच्छा ऑप्शन बी लगाना बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, तो सर मानव भूगोल की शाखा पूछ रखा है क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से 15 का क्या आंसर हो जाएगा, सामाजिक भूगोल होगा, आर्थिक भूगोल होगा, शहरी भूगोल होगा, इनमें से
सभी पूछ रखा हम लोग को मानव भूगोल की शाखा, बताओ क्या लगाओगे। तो बोलोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है मानव भूगोल की शाखा जो है ये सारे शाखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 60 नंबर हम लोग क्वेश्चन में आंसर केरल लगा देना है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि किस क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जनसंख्या की संख्या को क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र में एक विशेष सॉरी किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाली कुल जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जन्मदर कहते हैं। क्या कहते हैं, होने वाले को जन्मदर कहते हैं, मरने वाले को मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन 18 का हम लोग को निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा, देखो आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल हो जाएगा, औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, यानी ये तो सारे हम लोग का जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगा देना है, ऑप्शन डी पे बिल्कुल राइट लगाना है, ठीक है। जितने ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रखा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या जो है विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। चलो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ऐसे चार है, लेकिन इंपोर्टेंट जो है वो तीन ही मानी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को क्या लगाना है 19 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग को राइट लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्न में कौन प्रवास को क्या कहते हैं प्रेरित करने वाला कारक है। तो बोलो प्रवास प्रेरित करता है, बेरोजगारी करता है, अशांति करता है, गरीबी करता है, सारे जो है करता है। बोलो सर ऑप्शन तो यहाँ पे हम लोग को जो है क्या लगा देना है, तो ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है। जब तो डी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्न से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक है। तो बोलो सर जनसंख्या, तो यहाँ पे जो हम लोग को राइट लगाना है वो लगाना है ऑप्शन जनसंख्या, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। जितने डी लगाए बिल्कुल राइट होगा। कह रहा है कि निम्न से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक जो है अल्पसंख्यक समुदाय है। तो सबसे बड़ा तो सबको पता होगा, अच्छा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध दिया हुआ, तो आप लोग को वहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे डी लगा देना, ठीक है। ऑप्शन डी पे राइट करना। कह रहा है कि निम्न से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है। तो भौतिक भूगोल की शाखा जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, इनमें सभी ये सारे जो है ना ये भौतिक भूगोल की ही उपशाखा है। तो हम लोग को लगाना है ए बी सी यानी डी पे हम लोग को राइट लगा देना, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन डी बताए राइट हो चुका। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीय आर्थिक व्यवसाय है। तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल व्यवसाय, ऑप्शन यहाँ पे डी ही लगा दो। 25 नंबर की निम्न से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो विरल जनसंख्या जो पाया जाता है रेगिस्तान में, विरल ना विरल मत पूछ रखा, रेगिस्तान ऑप्शन ये, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं हम लोग को कि भारत में अंतिम जनसंख्या जो कब हुई थी, ये 2011 को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है, अंतिम जनसंख्या 2011 में हुई थी। कह रहा है कि हम लोग को निम्न से क्वेश्चन नंबर 27, निम्न से कौन एक नगरीय समस्या है। सबको बताओगे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ये सारे जो है ना ये सारे जो है सारे के सारे आपका नगरीय जगह, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है, ठीक है। जितने अच्छे ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल आपका राइट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 28 कर हम लोग को निम्न से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। बोलो कृषि कार्य के अंतर्गत कौन आता है। तो बोलो से यहाँ पे तो हमारा शहद उत्पादन एंड रेशम कीट और मशरूम उत्पादन, ये सभी। तो हम लोग को 28 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को डी ही लगा देना है, ठीक है। तो जितने बच्चे ऑप्शन डी पे लगाए बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवृत्ति की पहचान का सूचक जो है निम्न में से कौन है। देखो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट लगाना है तो वो ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन 30 कर हम लोग को कि निम्न से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया था। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग को क्या बताना है, यहाँ पे हम्बोल्ट रेडजेल, तो इसका आप लोग जो है ना एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन सही बता पाए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास की एंडिंग करते हैं, तक मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर।